हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए, एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधे के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के लंबे टी वे बौने के स्मॉल टी पौधे के मध्य कराया गया संकरण F1 पीढ़ी के समय सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक टी बौनेपन के कारक है पर प्रभावी होता है, कारक अप्रभावी होता है, अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हैं हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। सभी F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। सो थैंक यू।